हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 3 में वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. देर आर 5 वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? 5. कितने वोवेल्स होते हैं बच्चों? 5. दे आर और वे है, कौन से वोवेल्स है? वे ए ई आई ओ यू. ये 5 वोवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू. ओके बच्चों, द अदर्स 21 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. अदर्स यानी अन्य जो 21 लेटर्स होते हैं, अन्य जो 21 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के, वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड यानी मीन्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं वो? कॉन्सोनेंट्स. तो दे आर वे है बी सी डी आर जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एफ वाई जेड ना. दे आर कॉन्सोनेंट्स. ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स है. और इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स. ओके बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज. राइट वोवेल्स इन द बॉक्स टू मेक 2 डिफरेंट वर्ड्स, है ना. आपको हमको इन बॉक्स के अंदर वोवेल्स फिल करना है ना, डिफरेंट वर्ड्स. और डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, 2 डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उनके अंदर अपन को वोवेल्स फिल करना है. जैसे ये लेग है, तो लेग की स्पेलिंग आर लिखा हुआ है, ई और जी, इसमें ई वोवेल्स को फिल किया गया है. सेकेंड में लॉग, इसमें एल ओ, इसमें ओ वोवेल्स को फिल किया गया है, जी. फिर है ये क्या है? पेन. पेन के अंदर पी लिखा हुआ है और सेकेंड स्पेलिंग ई, पी ई एन, पेन, ई वोवेल्स फिल किया. फिर पेन, पी ए एन, इसमें ए वोवेल्स फिल करेंगे, ए ए. इसमें हम ए वोवेल्स फिल करेंगे, पी ए एन, पेन. थर्ड है हैट, एच ए टी, हैट, इसमें हम ए वोवेल्स फिल करेंगे. ये है हॉट, एच यू टी, हॉट, इसमें हम यू वोवेल्स फिल करेंगे. फोर्थ में मैप, एम ए पी, मैप, इसमें हम ए वोवेल्स फिल करेंगे. तो ये है मॉप, एम ओ पी, मॉप, ओ वोवेल्स फिल करेंगे. फिफ्थ में है कप, कप की स्पेलिंग सी, हम इसमें यू, सी यू पी, कप, यू वोवेल्स फिल करेंगे. ये है कैप, सी ए पी कैप, हम इसमें ए वोवेल्स फिल करेंगे, सी ए पी कैप. फिर बन, ये क्या है? बन, बी यू एन, बन. ये क्या है? बिन, बी आई एन, बिन, इसमें हम आई वोवेल्स फिल करेंगे, इसमें हम यू वोवेल्स फिल करेंगे. ओके बच्चों, तो हमने इन वो वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अंदर हमने ये वोवेल्स फिल किए जो लिंडा ब्लैंक्स थे. Now we will do exercise B. हम अब exercise B करेंगे. Write correct consonants in the blanks in complete the word. हमको write consonants in blanks में fill करना है. Okay बच्चों? और फिर word को complete करना है. जैसे कि got. ये picture किसका है? Got का. और ये got की spelling लिखी हुई है. तो starting यहाँ पे fill in the blank में G O A लिखा हुआ है. फिर T फिल करना है, गॉट, जी ओ ए टी. इसमें एक्सरे, ये एक्सरे का पिक्चर है, तो हम इसमें क्या फिल करेंगे? एक्स नहीं है यहाँ पे, तो अक, फिर आर ए वाई, एक्सरे. ओके, है ना. और ये है किसका पिक्चर है? पुडल, पुडल. थर्ड में पुडल, तो फर्स्ट पी इसमें फिल करना है, पी यू डबल डी एल एल ई, पुडल, है ना. ये पुडल की स्पेलिंग है, जो कॉन्सोनेंट फिल नहीं है वो फिल हमने इसमें स्पेलिंग में कर दिए. पुडल मीन्स कीचड़ होता है. फिर वॉच, इसमें देखिए कौन सा कॉन्सोनेंट फिल नहीं आ गया है, ये फिल इन द ब्लैंक, डब्ल्यू ए, ए के बाद में क्या आया हुआ है? टी, टी के बाद में सी, सी के बाद में एच, वॉच, वॉच मीन्स घड़ी. फिर रैबिट, रैबिट के अंदर आर वोवेल्स नहीं, आर कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हमने फिल किया आर, फिर ए, फिर डबल बी कॉन्सोनेंट फिल किया, फिर आई, फिर टी. रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश. फिर शूज, शूज के अंदर कौन सा कॉन्सोनेंट नहीं है, स्टार्टिंग में अस, एच, ओ, ई, शूज.
है ना। तो हमने इन वर्ड्स के अंदर, इन वर्ड्स के फिलिंदा ब्लैंक में हमने कॉन्सोनेंट को फिल किया है और उस वर्ड्स को कंप्लीट किया है। ओके बच्चों, अब नाउ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट टू मेक राइमिंग वर्ड, रीड देम अलाउड। हमको ये ब्लैंक्स से फिल करने हैं विथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट, यानी अलग अलग कॉन्सोनेंट के साथ में। हमें अलग अलग कॉन्सोनेंट के साथ में ये फिलिंदा ब्लैंक फिल करने हैं और उनके और राइमिंग वर्ड बनाने, जैसे मैप, टैप, कैप। इसमें क्या आएगा? में कार, फार, फार और बार, BAR बार, है ना। ये राइमिंग वर्ड हो गए ना। इनमें कॉमन क्या है? AR कॉमन है। थर्ड में फिक, फिर बिक, फिर डिक। इसमें राइमिंग वर्ड में कॉमन क्या है? IG कॉमन है। फिर सेल, फेल, फिर टेल। इसमें ये डबल एल है वो कॉमन है फोर्थ में। और फिर फिफ्थ में RIGHT राइट, NIGHT नाइट और LIGHT लाइट। इसके अंदर कोई वर्ड्स में कॉमन क्या है? IGST, देखो सब में कॉमन है, IGST है वो कॉमन है और इनके राइमिंग वर्ड्स है। फिर सिक्स्थ में ग्राउंड, फिर साउंड, फिर फाउंड। इसमें कॉमन क्या है? OUND ये कॉमन है। ओके, सेवंथ में ब्रेन, फिर ग्रैंड, फिर ट्रेन। इसमें कॉमन क्या है? सेवंथ में RAIN कॉन्सोनेंट कॉमन है। ओके बच्चों, इस तरह से हमने ये राइमिंग वर्ड बनाए कॉन्सोनेंट फिल करके। ओके बच्चों, तो आपको ये एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है ये। अपनी पहले तो अपनी ये जो ग्रामर की है टेक्स्ट बुक है उस पर करना है, टेक्स्ट बुक में। और फिर आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में वन टाइम करना है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।